हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मेरे साथ है मध्य प्रदेश पुलिस के जवान बालकृष्ण दांगी जी। ये नानाखेड़ा थाने उज्जैन में पदस्थ हैं। तो मेरे एक मित्र के पर संपर्क से इनसे आज संपर्क हुआ, तो आज मैंने इनसे बातचीत करी कि इन्हें किस तरीके से तैयारी कर रही। आपको देखने से ही लग रहा है इनकी उम्र बहुत कम है और एकदम देश के नौजवान हैं फ्रेंड्स। तो आइए फटाफट आप इनसे इंटरव्यू उनका शुरू करते हैं। तो बालकृष्ण जी आप बताइए कि आपने तैयारी कैसे करी, आपका ग्रेजुएशन क्या रहा? मैं फाइनल ईयर में पढ़ रहा था, तब से मैंने तैयारी चालू करी थी। मैं कॉलेज के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा था। लगभग मेरा फाइनल ईयर चल ही रहा था, लास्ट एक एग्ज़ाम होने वाली थी, तब से तैयारी चालू करी। उसी टाइम पे ये एमपी पुलिस का एग्ज़ाम बीच में पड़ा, तो मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चालू करी। तो उसमें मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, तो उसमें मैं पढ़ना चालू हुआ। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मैंने आप कौन सी बैच की आपकी भर्ती है? 2018 लास्ट वैकेंसी व्यापम जो एमपी पुलिस हुई थी उससे भर्ती हूँ मैं। अच्छा, और आपने किन किन बुक्स से पढ़ा, आपके पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या थी, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? पढ़ने में बुक से तो सबसे ज़्यादा मैंने अपना लूसेंट पढ़ा है, जो एमपी पुलिस के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, महावीर एमपी के लिए, महावीर, अरिहंत और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ऐसी और बुक्स पढ़ी है। और दिन में आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी, और कुछ खास ऐसी जैसे लूसेंट, सब बच्चे लूसेंट बोलते हैं, लूसेंट जैसी बुक का क्या रहता है? लूसेंट बहुत अच्छी रहेगी मतलब एक आरक्षक की परीक्षा के लिए। लूसेंट क्या है कि एक बेसिक ढांचा होता है, जनरल नॉलेज जीके के लिए बेसिक ढांचा, जिसे जीके माना जाता है, उसका बेसिक ढांचा होता है लूसेंट, जिसमें छोटी बड़ी सब चीज़ें इतनी मात्रा में होती है कि उसको पढ़ के कम समय में पढ़ के भी आराम से आदमी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर सकता है लगभग। और आपने कुछ ऑनलाइन तैयारी करी थी क्या, जैसे अब तो ऑनलाइन का टाइम है, जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, आपने ऑनलाइन की किस टाइप से तैयारी करी थी? ऑनलाइन तैयारी करी मैंने, सिर्फ पेपर की एग्ज़ाम होती थी, एग्ज़ाम का एनालिसिस लेने के लिए मैंने सिर्फ यूट्यूब चैनल पे, वो लास्ट में जो पेपर होते थे पेपर को एनालिसिस करने के लिए यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल किया, और सारी बुक्स से पढ़ी है मैंने उस टाइम। मतलब कुल मिला के कि आपने यूट्यूब के जो चैनल थे उनमें आपने पुराने पेपर ही पढ़े, और कुछ चैनल का तो किस टाइप से आपने उनकी स्ट्रेटेजी से नहीं पढ़ा, सिर्फ अपनी खुद की स्ट्रेटेजी से पढ़ा? हाँ, खुद की स्ट्रेटेजी से पढ़ा है, और कोचिंग वगैरह का सहयोग भी लिया है साथ में। एक दिन के कितने घंटे आप तैयारी करते थे? एक दिन में लगभग, वैसे ऑल टाइम ही पढ़ते रहते थे, पर यूँ मानो लगभग कम से कम 10 से 12-15 घंटे तो पढ़ता ही था हमें। मैं भी सबको यही बोलता हूँ भाई, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, 10-12 घंटे से कम में, क्योंकि अपन नहीं पढ़ेंगे तो अपनी जगह कोई और पढ़ लेगा, मैं सबको यही बोलता हूँ मैं। और आप इस नौकरी के बारे में बताइए, अभी आप जैसे थाने में हैं, तो थाने में मेन जो पुलिस का काम क्या रहता है, मतलब आरक्षक वर्ग में आपको किस टाइप का, ऊपर ऊपर से बता दीजिए कि क्या काम दिया जाता है। वैसे तो इसमें इतने काम है कि बता पाना मुश्किल है, पर फिर भी मोटे तौर पे बता देते हैं कि फील्ड वर्क जो है, फील्ड वर्क रहता है इसमें मेन काम, जिसमें फील्ड की अपने को जानकारी रखना होता है, और उसमें जो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो अपने को ध्यान में रखना होता है। और ऐसे ज़्यादा अच्छी नौकरी भी नहीं बोल सकते और ज़्यादा बेकार भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें बहुत कम समय मिलता है, और ऐसे बहुत अच्छी नौकरी भी है एक तरीके से। पुलिस की नौकरी के लिए तो हर कोई तरसता है, मैंने खुद ने आरक्षक की नौकरी के लिए बहुत तैयारी करी थी, पर अब देखिए जहाँ किस्मत लगी, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो देखो व्यापम के पेपर जिसने आरक्षक का बनाया उसी ने लेबर इंस्पेक्टर का बनाया, उसी ने सब इंस्पेक्टर का बनाया, जिस फैकल्टीज़ की जो टीम ने, तो ये रहता है कि इसमें लक की भी बहुत सारी बात रहती है, और वर्दी की तो बात ही अलग रहती है। मुझे वर्दी का बहुत शौक़ है, मैं खुद पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, और समय इनने दिया उनके लिए हम बहुत बहुत इनका आभार रहेंगे। तो आप एक और चीज़ बताइए सर कि जैसे आपने तैयारी जब करी थी तो उसमें मेन आपको फिजिकल का जो था, फिजिकल की आपने किस तरीके से तैयारी की थी? बच्चों को ये समस्या बहुत आती है। फिजिकल मैंने फिजिकल सेल्फ डिपेंड होकर तैयारी की, सेल्फ बिल्कुल, न किसी का सहयोग लिया न किसी के सहारा, अपने मन से मैंने रनिंग की तैयारी करी है अपने मन से। गोले का फिटनेस के लिए मैंने दोनों टाइम सुबह भी तैयारी करी, शाम को भी तैयारी की, दोनों टाइम गोले के लिए तैयारी करी। वैसे वो रनिंग वनिंग तो हो जाती थी आराम से, इसमें ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। वैसे गाँव से बिलोंग करता हूँ, वैसे तो चलता रहता है, रनिंग वनिंग करते रहते, शुरू में इतनी तो दिक्कत नहीं आई वैसे कुछ। आप फिट भी हैं वैसे तो, अच्छे फिटनेस तो आपकी दिख ही रही है। और मैं एक चीज़ पूछ रहा था, इसमें इंटरव्यू हुआ था क्या आपका? नहीं, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, सीधे फिजिकल हुई और उसके बाद डायरेक्टली आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता बस। अच्छा, और एक आपकी ट्रेनिंग के बारे में बताइए, आपकी ट्रेनिंग कितने समय की रही और क्या क्या आपने ट्रेनिंग में अच्छा समय देखा?
पुलिस विभाग में ट्रेनिंग का समय ही सबसे अच्छा समय होता है, जो कि लगभग यूँ मानो कि पूरी नौकरी तक याद आता है, सबसे अच्छा समय होता है। उसका शेड्यूल इतना अच्छा तय होता है कि आदमी 4 बजे से उठ के रात को 8 बजे तक पूरा तरह से बिल्कुल बिजी रहता है और सिर्फ खाने का टाइम मिलता है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ पे हुई थी ट्रेनिंग आपको? ट्रेनिंग मैंने की थी PTS तिगरा, ग्वालियर में एक सेंटर है, बहुत अच्छी जगह है। ग्वालियर का तापमान वैसे लगभग बहुत ज़्यादा रहता है गर्मी के समय में, उसमें की है ट्रेनिंग और समय बहुत अच्छा रहा वो, और ट्रेनिंग का समय बहुत ही अच्छा कटा हमारा। और कितने समय की ट्रेनिंग हुई थी आपकी? ट्रेनिंग वैसे लगभग 9 महीने की रहती है, पर क्या बीच बीच में जैसे चुनाव आ गए, दो चुनाव में ड्यूटी लगी, तो लगभग एक दो महीने की ड्यूटी रही, तो लगभग वो 10-11 महीने में पूर्ण हो गई। वैसे 9 महीने का टाइम रहता है वैसे। 9 से 10 महीने। सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ज़्यादा होती है क्या, 2 साल की होती है क्या? सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग 1 ही साल की होती है, पर उनको 1 साल के लिए प्रोविजनल फील्ड क्षेत्र के लिए 1 साल तक रखा जाता है प्रोविजनल पीरियड में। फिर उसके बाद में 1 साल बाद उनकी फिर 6 से 8 दिन की या 10 दिन की ट्रेनिंग होती है फील्ड राइफल के साथ, उसके बाद उनको पूर्णतः SI का दर्जा मिलता है। अच्छा, और मैं एक चीज़ बोल रहा था कि जैसे पुलिस की जो ट्रेनिंग रहती है और उसमें कितना आपको मतलब एग्जर्शन रहता है, कि मतलब बहुत ज़्यादा इसमें थका देने वाली रहती है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे दौड़ तो लेते हैं। अब समस्या ये आती है कि ट्रेनिंग में जो रहता है एग्जर्शन, वो उसमें 12 बज जाती है बच्चों की। हाँ, एक तरीके से थका, क्योंकि एक पहला अनुभव रहता है तो थकान जैसे तो लगता है, पर धीरे धीरे जिस माहौल में जैसे जैसे डलते जाओगे ऐसे कोई थकान नहीं लगेगी, और रोज़ की हैबिट बन जाती है, क्योंकि एक दिन का तो रहेगा नहीं, कि डेली का वही रूटीन रहता है, तो थकान वैसे लगती है शुरू शुरू में, बाद में वैसे हैबिट हो जाती है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है ऐसे कुछ। आपकी सबसे पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ पे हुई थी? मेरी सबसे पहली पोस्टिंग उज्जैन ज़िले के खातरोद थाने में हुई थी, जो देहात का थाना है, पर मेरे को स्टडी करना थी, इसके चक्कर में मैंने वापस खातरोद थाने से नानाखेड़ा थाना करवाया, और मैं अभी भी वर्तमान में तैयारी कर रहा हूँ इसके चक्कर में। तो नौकरी के साथ आपको तैयारी करने का समय मिल जाता है? समय तो कम मिल पाता है, पर जितना भी मिल पाता है उतना हमें करते हैं तैयारी, वैसे उतना समय नहीं दे पाते जितना पहले दे पाते हैं, पर अब तो कम टाइम मिलता है, कम समय को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, क्या करें। फिर भी कितने घंटे आप निकाल लेते हैं? लगभग दिन यूँ मानो कम से कम 4-5-6 घंटे इतना ही मिल पाता है, ज़्यादा ज़्यादा एक दिन में। कुल मिला के जो पुरानी जो आपकी तैयारी थी उसको आप रिवाइज ही करना है, उसको समय निकाल निकाल के, क्योंकि आपने इतनी मुश्किल से एग्ज़ाम निकाली है। मैं खुद जानता हूँ कि अपनी नौकरी कैसे लगी है, तो मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। तो ये मैं एक और चीज़ बोल रहा था कि पुलिस में ऐसे प्रमोशन के कितने समय में होता है, इसमें प्रमोशन का अभी क्या, जैसे सबको पता है कि आपके बाद में हेड कॉन्स्टेबल, फिर ASI, फिर SI, तो अभी क्या इसमें समय सीमा क्या रहती है इसमें कुछ? समय सीमा वैसे तो 10 साल में एग्जैक्ट प्रमोशन हो ही जाता है, बीच में अपने कार्य के हिसाब से प्रमोशन मिलता है। वैसे वर्तमान में प्रमोशन अभी इसमें स्टे लगा हुआ है, रोक लगी हुई है, क्योंकि प्रमोशन आरक्षण के चक्कर में इसमें चल रहा है कोर्ट में केस, तो भी इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। वैसे कम से कम 7 साल और अधिकतम 10 साल में एक प्रमोशन आदमी को मिल जाता है। 7 से 10 साल के बीच में प्रमोशन मिल जाता है। तो और एक और चीज़ बोल रहा था कि इसमें गृह जिला किसी को मिल सकता है अगर कोई चाहे तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे भी ये पूछते हैं कि लेबर इंस्पेक्टर में गृह जिला मिल सकता है क्या? वो हमारे विभाग के खैर हेड ऑफिस और कंडीशंस पे डिपेंड करता है जिसकी भी है। तो आप पुलिस में कैसा रहता है गृह जिले का? गृह जिला वैसे शासन का 2000 के बाद नियम है कि गृह जिला नहीं मिलता, पर कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि या तो 1-2 साल 4 साल की नौकरी बची हो उनको भी गृह जिला दिया जा सकता है, फिर कुछ कंडीशन माता पिता की या कुछ और भी परेशानियों को देखते हुए गृह जिला दिया जा सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा बच्चों को गाइड किया। कुछ आखिरी आप 2 मिनट में आप बता दीजिए अपने समय लेके कि किस टाइप से तैयारी करना चाहिए, और बच्चे जैसे कोरोना के टाइम में फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, सब टेंशन लेते हैं बच्चे, तो पुलिस की वैकेंसी और तैयारी के बारे में आप कुछ बताइए। मैं तो मानता हूं कि पुलिस की तैयारी में ज़्यादा कोई इतना लोड वाली बात नहीं है, वैसे आदमी थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस रख के पढ़ेगा और अपना 5 से 7 घंटे भी देगा आराम से पढ़ने में, तो आराम से इस तैयारी को निकाल सकता है। उसमें जैसे लूसेंट बेसिक ढांचा है, और अपने को थोड़ा बहुत मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादातर मैथ्स पूछा जाता है इसमें, अधिकतर व्यापम के एग्ज़ाम में मैथ्स पूछा जाता है, तो मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए और आदमी आराम से निकाल सकता है एग्ज़ाम को, इसमें ज़्यादा समस्या कुछ नहीं होती ऐसी। और अभी अच्छा पुलिस की वैकेंसी आने का है क्या? सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में यही रहता है कि कोई से भी वर्ग हो, जैसे आरक्षक वर्ग, सब इंस्पेक्टर वर्ग, DSP वर्ग, अभी उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे, आपको कुछ अगर कुछ जानकारी में हो तो? हाँ, अभी वैसे सुनने में आ रहा है कि 3200 लगभग 3200 के आसपास की पदों की स्वीकृति तो हो चुकी, पर अभी ये आचार संहिता के चलते कोई घोषणा नहीं हो सकती इस चक्कर में, अभी तो 1-2 महीने के लिए तो पोस्टपोन रहेगी, हो सकता है कि जनवरी से इसका स्टेटमेंट आ जाए और नोटिफिकेशन निकल जाए, लगभग तय है, मतलब निकलना तो है ही है, पर टाइम लग सकता है इसमें, 2-4 महीने लगभग।
तो बच्चे सब लोगों को बोलना है, मतलब एक चीज़, मतलब आप सब लोग इस चीज़ का धैर्य बना के रखिए, फालतू में आप फ्रस्ट्रेट मत हुई है। हमारे सर ने हमको बता ही दिया है कि वैकेंसी, देखो पद तो मेरे विभाग में भी खाली है, लेबर इंस्पेक्टर के पद तो ये भी मैं बोल सकता हूँ खाली है। एग्जैक्टली तो कोई आपको डिपार्टमेंट का व्यक्ति नहीं बता सकता है कि कब कब वैकेंसी निकलेगी। ये बात सर के सामने भी मैं बोल रहा हूँ, जो पुलिस और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेबर इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, बस आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि हम लोगों ने भी करी, हम जानते हैं किस टाइप से मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी जगह कोई और पढ़ लेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों को मोटिवेट किया, और सर भविष्य में हम कामना करते हैं कि आप तरक्की करें, जल्दी से जल्दी सर आपका प्रमोशन होए। धन्यवाद सर।